नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ये है समर का बहुत सा ब्यूटीफुल प्लांट, कम केयर में चलने वाला और बहुत ही हार्डी टेक्सास से इसका प्लांट। तो आज हम इसी की केयर टिप और इसके प्रोपोगेशन, इसको किस तरह केयर की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये प्लांट ऐसा है कि अगर आपने इसे अपने घर में एक बार लगा लिया तो एकदम लो मेंटेनेंस है। इसके फ्लावर तो ब्यूटीफुल होते ही हैं, इसकी लीफ भी बहुत सुंदर लगती है, एकदम वेलवेट टेक्सचर लगता है इसका, वाइट कलर की रहती हैं इसकी लीफ। ये आपको नर्सरी में मिलेगा 120 से लेके 140 तक का, काफ़ी महंगा मिलता है, कॉस्टली थोड़ा सा रहता है। अगर आप इसे एक बार अपने घर ले आएंगी तो इसकी कटिंग से आप इसको कई बार कई प्लांट तैयार कर सकती हैं। ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ ही प्लांट है। इसकी कटिंग मैंने पिछले साल अगस्त में लगाई थी, अगस्त या सितंबर में, क्योंकि इसका प्लांट मैं जुलाई में लेके आई थी और तभी मैंने इसकी दो कटिंग लगा दी थी। इसका मदर प्लांट ऊपर रखा हुआ है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जहाँ टेम्परेचर 43-45 हो रहा है वहाँ मेरी इसका मदर प्लांट थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ है। और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ है, एक तो ये इंडिया का प्लांट नहीं है, ये हम बाहर विदेशी प्लांट है, और वो भी थोड़ा सा जहाँ पानी की कमी रहती है, डेजर्ट प्लांट समझिए उसी तरह का प्लांट है। तो इसको गर्मी से कोई ख़ास असर पड़ता नहीं है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। और इसमें फ्लावर बंचेज में आते हैं, आपको एक एक लीफ में इसके लीफ के नीचे बर्ड्स आती हैं और पूरा प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो पूरे प्लांट में फ्लावर आ जाता है, जैसे कि आप पहले वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ये इसकी कटिंग में है तो अभी इसमें बर्ड्स नहीं आई, पर इसके मदर प्लांट में बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की, कि इसकी प्रोपोगेशन में कोई भी सीड वगैरह लगता नहीं है और इसमें सिर्फ कटिंग से ही लगते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो अटैक का, पेस्ट अटैक का, तो इसमें मिली बग का अटैक बहुत होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इस कटिंग में, क्योंकि मैंने ये नीचे रखी हुई है तो इसमें मिली बग का अटैक हो गया है। ऊपर वाले प्लांट में भी हुआ था, तो मैंने उसमें स्प्रे किया हुआ था नीम ऑयल का, तो उससे वो सब ख़त्म हो गए हैं, पर अभी इसमें स्प्रे करना बाकी है। तो मिली बग का इसमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और ये है इसका मदर प्लांट बुगन विलियम की, मेरी छोटी सी कटिंग थी, इसमें देखो अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस समय भी, इस सीजन में भी ना, जितने मैरीगोल्ड के प्लांट थे उनके जो फूल ड्राई होके इसमें गिरे, देखिए फिर से ग्रो हो रहे हैं। तो गार्डन में कुछ प्लांट ऐसे हैं कि अगर आप एक बार ले आते हैं तो ये गोमफर्ना के प्लांट ग्रो हो रहे हैं, कुछ मैरीगोल्ड्स के, और तो वो अपने आप डिवाइड और मल्टीप्लाई होते रहते हैं, सीड से ग्रो होते रहते हैं। तो ये है टेक्सास से इसका प्लांट, देखिए मदर प्लांट, और ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो गया इसकी। मैंने अभी सर्दी में थोड़ी सी प्रोनिंग की थी स्टार्टिंग में फरवरी में, तो उसके बाद इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही। और इसकी लीफ देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, सिल्वर कलर की रहती हैं और काफ़ी हेल्दी ग्रो हुआ। इसी में मेरे कोरियोप्सिस के प्लांट, विंटर फ्लावरिंग प्लांट के थोड़े से सीड डाल दिए थे तो वो भी ग्रो हो गए थे। खैर अब तो वो लगभग ड्राई होने के आए, तो उनकी मैंने सीड कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें देखिए, इसकी ये देखिए, आपको बता ना, इसकी एक एक लीफ के पास बर्ड्स आती है, वो जब ये फ्लावरिंग करता है तो पूरा प्लांट, जितनी लीफ है उतने ही फ्लावर से सज जाता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, और इसको बस आप पानी दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, और धूप में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप समर सीज़न में कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो हार्डी हो, धूप को बर्दाश्त कर सके, जो सीज़न इस समय चल रहा है उसके बाद ये फ्लावरिंग करे, लीफ भी अच्छी से ग्रीन रहे, तो आप टेक्सास सेज का प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता, महीने में मंथली में एक बार आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील की हो या जो हम किचन गार्डन का लिक्विड तैयार करते हैं उससे उसकी खाद डाल सकते हैं। आप सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी महीने में एक बार दे सकते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। पेस्ट अटैक इसमें हाँ होता है, मिली बग कई बार अटैक कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिली बग से इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि मिली बग अगर एक बार आते हैं तो फिर पता ही आपको कि प्लांट की पूरी ग्रोथ ख़राब करके रख देते हैं। तो इसे आप ज़रूर ऐड करिए।
इसे आप किसी भी सीजन में नर्सरी से ला सकते हैं। इसका कोई खास सीजन नहीं है, हर सीजन में फ्लावरिंग करता है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद 15 से 20 या 25 दिन तक इसके फ्लावर के बाद फिर ये रेस्ट लेता है। फिर इसमें फ्लावरिंग होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लूमिंग होती है, इसलिए एक बार जब ब्लूमिंग करता है तो 5-6 दिन आप पूरा फ्लावर देख प्लांट देखेंगे फूल से लदा रहता है। उसके बाद फिर इसमें फ्लावर में कुछ समय लगता है। तो आप इसमें अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम डालते रहेंगे मंथली में, तो इसमें हर महीने बढ़िया अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और ये देखिए कोरिएप्सिस के 3 कलर आए हुए हैं, कोई पूरा येलो है, किसी में बीच में ब्राउन कलर है। तो आज मैं इनकी भी सीड कलेक्ट कर लूँगी थोड़े से। तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट थे, कुछ सीड इसमें अपने आप ही गिर गए, कुछ मैंने ऐसे ही ग्रो करने के लिए डाल दी कि अपने से उगाएंगे जब टाइम हो, वो कुछ मैं सेलेक्ट कर ले रही। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो और एक नया प्लांट। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है और आपके गार्डन को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। तब फिर मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।